हमारी चैनल रमज़ान डे टू में वेलकम है। तो आज की इफ्तार की फर्स्ट रेसिपी है पास्ता। पास्ता को अच्छे से वॉश करने के बाद में इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अभी पास्ता हो रहा बॉईल। ये पास्ता टेंडर होने तक नेक्स्ट रेसिपी चीज़ शेडर चीज़ पकौड़े बनाएंगे। शेडर चीज़ के पकौड़े बनाने के लिए बेसन, नमक, मिर्ची, अदरक लहसुन, हल्दी और हरा मसाला और प्याज है। और ये चीज़ यूज़ करी मैं, क्राफ्ट की शेडर चीज़। ये इसके कंटेंट इसमें एम्प्टी कर, ये चीज़ के छोटे छोटे पीसेस करेंगे पकौड़ों के लिए। ये है चीज़, अब एक एक पीस का पकौड़ा बनाना है। ये एक चीज़ लेना, इसका इसको बेसन में डुबाना है और अच्छा जब तेल गरम हो गया कढ़ाई में, देखिए ना चीज़ मेल्ट होके निकल रही है इसमें से। ये चीज़ पकौड़े बनाइए, थोड़े स्टिकी हो जाते हैं, इनकी इसमें से चीज़ निकल नहीं सकती, तो उसको अच्छी सी बेसन की कोटिंग करना। ये हो गए पनीर भजिए तैयार। नेक्स्ट बनाएंगे हम आलू के भजिए। आलू को अच्छा बारीक स्लाइस करना स्लाइसर में। ये बन रहे हैं आलू के भजिए और यहाँ साइड बाय साइड पास्ता अभी गल रहा है, वो टाइम लग रहा है इसको, कुकर में गलाए तो जल्दी गल जाता। क्या हो गया, आलू भजिए रेडी। ये पास्ता बॉईल हो गया, अच्छे से गल गया है, इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। अब नेक्स्ट है दही वड़ा की बारी। दही वड़ा के लिए दही और इसके अंदर हिसाब से आप नमक डाल लेना है। दही वड़े बनाने के लिए बेसन, नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक लहसुन, चॉप्ड ऑनियन, हरा मसाला, हरी मिर्ची और पानी से आप ये कंसिस्टेंसी का बैटर बना सकते हैं। अगर आपको और गाढ़ा होना है, थिक होना है, तो और थिक भी रख सकते हैं। अब इसके हम इसको अब तेल में डालेंगे, जो तेल ऑलरेडी कढ़ाई में गर्म हो रहा। ये जो पास्ता गल गया था, अब उसको स्ट्रेनर में डाल देना, तो एक्स्ट्रा जो भी पानी रहता वो पूरा ड्रेन हो जाता। ये जो दही बड़ा के भजिए है, इसको आप पानी में डाल देना, तो एक्सेस ऑयल जो है वो पानी में ड्रेन हो जाता। दही बड़ों का बघार हो गया और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दही बड़े रेडी हो गए। पास्ता बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करना है। पास्ते का तेल गरम हो गया, अब हम डालेंगे प्याज। नेक्स्ट डालेंगे पास्ता। डालेंगे नमक, हल्दी और मिर्ची। लास्ट में सीजनिंग के लिए हम लोग डालेंगे ओरिगैनो। कर देंगे, हमारा पास्ता हो गया रेडी।